भक्त चरित्र गाथा में आज हम ले रहे हैं श्री श्री लक्ष्मी प्रिया देवी जी की जीवन का वृतांत। भक्त चरित्र गाथा में आजकल हम आपको सुना रहे हैं श्रीमन महाप्रभु के समय में जो उनके पार्षद थे, परिकर थे, जो भक्त स्वरूप में इस धराधाम पर आए, उनके जीवन के बारे में। श्री श्री लक्ष्मी प्रिया देवी जी भी श्रीमन महाप्रभु की पत्नी थी। देखिए, श्री भगवान जब भी अप्रकट धाम से पृथ्वी तल पर अवतीर्ण होते हैं तो लीला के अनुरूप ही उनके धाम और परिकर भी उनके साथ ही आया करते हैं। तो श्री भगवान की जो नित्य प्रेसी वृंद हैं, वो भी लीला क्रमानुसार उनकी लीला में सहयोग देने के लिए कहीं अमूर्त रूप में तो कहीं मूर्त रूप में साथ में आती हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जब राधा भाव सुवलित श्री कृष्ण चैतन्य रूप से नवद्वीप धाम में अवतीर्ण हुए तो उनकी जो आदि शक्ति नित्यकांता श्री लक्ष्मी प्रिया जी भी नवद्वीप में ही प्रकटित हुई। श्री राम अवतार में जो मिथिलापति महाराज जनक जी थे, वे नवद्वीप लीला में श्री वल्लभाचार्य नाम से प्रकट हुए। उन्हें राजा भीष्मक भी कोई कोई मानते हैं। श्री जानकी जी और श्री रुक्मिणी जी, ये दोनों मिलकर श्री वल्लभाचार्य की कन्या रूप में अवतीर्ण हुई और श्री चैतन्य लीला में श्री लक्ष्मी प्रिया नाम से प्रसिद्ध हुई। श्री लक्ष्मी प्रिया जी तो मूर्तिमती लक्ष्मी ही थी। स्वाभाविक सहज सौंदर्य था इनका, माता पिता की परम लाडली। अपने शील गुण से सब पारिवारिक जनों को और संघ की सहेलियों को अति प्रिय लगती थी। संघ की सखियों के साथ बाल्यावस्था से श्री लक्ष्मी प्रिया जी गंगा पर स्नान करने जाती। गंगा पर पुष्प बेलपत्र देकर श्री शिव और पार्वती की पूजा करती और पूजा के अंत में यही प्रार्थना करती, हे त्रिलोचन, मेरी मनोकामना को आप पूर्ण करें। और मनोकामना ये कि नवद्वीप चंद्र श्री गौर सुंदर ही मेरा पाणी ग्रहण करें। और ऐसा ही हुआ। एक दिन जब श्री लक्ष्मी प्रिया जी गंगा पर स्नान पूजा आदि करने आई तो श्री गौरचंद्र ने उन्हें देखा, साहजिक प्रीति उदित हो उठी, दोनों एक दूसरे को पहचान गए। दूसरे एक दिन फिर से मिलन हुआ। श्री गौरांग बोले, लक्ष्मी, तुम मुझ महेश्वर की पूजा करो, मेरी पूजा से ही तुम अपनी मनोवासना पूर्ण कर पाओगी। श्री लक्ष्मी देवी ने श्री गौरांग के श्री अंगों पर चंदन पुष्प अर्पण किया और मल्लिका माला जब पहनाने लगी तो रंगीले प्रभु ने वही श्लोक उच्चारण किया जो उन्होंने श्री कृष्ण रूप में ब्रज कुमारिकाओं को कात्यायनी अर्चन और चीरहरण की लीला के अंत में कहा था, संकल्पो विदितः साध्वो भवतीनाम मदर्चनम मयानुमोदितः सो असौ सत्यो भवितु मरहति। हे परम प्रेयसी कुमारीगण, मैं तुम्हारा ये संकल्प जानता हूँ कि तुम मेरी पूजा करना चाहती हो। मैं तुम्हारी इस अभिलाषा का अनुमोदन करता हूँ, तुम्हारा ये संकल्प सत्य होगा। इस लीला को देख रहे थे शिवनमाली आचार्य, अति प्रिय भक्त थे वे श्री गौरांग महाप्रभु के और चतुर भी थे। तो श्री वनमाली आचार्य जी ने दोनों पक्षों को मिलाकर श्री लक्ष्मी प्रिया जी का श्री शचिनंदन गौरांग से संबंध पक्का कराया और समय पर लौकिक रीति अनुसार होते हुए भी अलौकिक विवाह उत्सव संपन्न हुआ। श्री लक्ष्मी प्रिया जी के शचि भवन में पधारने पर वो भवन साक्षात वैकुंठ की तरह सुख संपत्ति से जगमगाने लगा और हर समय शचि मैया अद्भुत ज्योति को पुत्र गौरांग के बगल में देखती। वे पद्म पुष्पों की मनोरम सुगंध का अनुभव करती रहती। श्री गौरांग चरण सेवाही प्राण धन सर्वस्व था श्री लक्ष्मी प्रिया जी का। माता शची को पूर्ण विश्राम मिल गया गौरवधु के आने से। 10-10, 20-20 सन्यासी अतिथि आने पर भी ये संतोष पूर्वक अपने हाथों से रसोई तैयार कर गृहस्थ धर्म का आदर्श स्थापन करती। देव मंदिर अपने हाथों से सम्मार्जित कर अति आनंदित होती। वैकुंठ से भी अधिक सेवा सौभाग्य प्राप्त कर रही है साक्षात लक्ष्मी जी यहाँ, फिर क्यों न अपार आनंद आस्वादन होता। श्रीमन महाप्रभु नदिया से बंगाल देश चले गए, माता शची ठगी सी रह गई। माता शची लक्ष्मी जी को देखकर प्राणों को बहला लेती। श्री लक्ष्मी प्रिया जी स्वामी के विच्छेद से व्याकुल उठी। भूमि पर शयन, अति अल्प नाम मात्र का आहार रह गया, किंतु माता शची की सेवा में कोई कमी ना आने दी। सारी सारी रात रोती रहती, मन की स्थिरता भाग गई। श्री हरिनाम ही प्राणाधार था। 100,000 संख्या में श्री हरिनाम, तीनों संध्याओं में प्राणवल्लभ, श्री गौरांग चरणों में प्रणाम और प्राणपति की चरण धूलि का ललाट में तिलक, यही भूषण बनकर रह गए सुवर्णांग विश्वभूषण की प्रेयसी के। अल्पाहार, अनिद्रा और मन की अस्थिरता ने कंचन सी काया को सरकंडे के समान कर दिया। आप प्राणपति के विच्छेद दुख को सहन न कर पाई। अंत में
प्रभु का विरह मूर्तिमान सांप बनकर आया और इनके दाएं चरण के अंगूठे में दंशन कर गया। हा गौरांग, हा गौरांग, हा प्राणपति उच्चारण कर जब अंतिम यात्रा के पथ पर देवी को देखा तो समस्त वैष्णवों ने चारों ओर से श्री हरिनाम की उच्च ध्वनि की। इस प्रकार श्री लक्ष्मी प्रिया जी प्राणपति सेवा, सासपद सेवा, अतिथि सेवा आदि गृहस्थ ललना का आदर्श स्थापन कर अपने नित्य धाम वैकुंठ धाम में सबके देखते देखते चली गईं। चली कहां गईं? प्राकृत जगत जीवों के नेत्रों से मात्र अगोचर ही हो गईं। तो आपने सुना श्री लक्ष्मी प्रिया जी के बारे में।